दूसरा आईडी जो आपने लिखा है, दूसरा आईडी और कॉलम कॉपी पेस्ट किया है, ये सपोज दूसरी शीट में, ठीक है। अब मेरे को इस शीट में, शीट वन में कॉलम डी में स्थापन को क्या करना है, यदि आईडीज मैच हो रही हैं तो देखना है स्टार्ट टाइम मैच हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट डेट मैच हो रही है कि नहीं। स्टार्ट डेट मैच हो रही है तो आउटपुट ये आना चाहिए, सॉरी यस आना चाहिए। अच्छा, स्टार्ट डेट मैच हो रही है कि नहीं। तो देखो, आईडी हाँ एक तो इस तरीके से हो सकता, आईडी और स्टार्ट टाइम। एक तो ये हो गया कि आप यहाँ पे कर लो। चलो आईडी नहीं लेते क्योंकि अपन आईडी आईडी अपना पता है कि इसके सामने ही रहेगी। हाँ, आईडी तो चलो हो जाएगा। अब स्टार्ट डेट मैच कर रही है उस आईडी की नहीं, है ना? तो इसके लिए वैसे आईडी मैच कर रही है तो फिर स्टार्ट डेट भी मैच करनी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए ना एक हेल्पर कॉलम लगा लो और इसको कंकेटिनेट कर दो स्टार्ट डेट के संग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिक आईडी क्रिएट हो गई। अब ये आईडी इसको वहां तभी मिलेगी जब ये मैच करेगी, ठीक है? बल्कि हेल्पर यहाँ नहीं क्रिएट होना आपका, यहाँ क्रिएट होना है दूसरी शीट में हेल्पर, क्योंकि यहाँ तो हम कंकेटिनेट कर सकते हैं। एक ही कॉलम में लगाना है आपने ये और स्टार्ट डेट, ठीक है? इन दोनों के बेस पे एक यूनिक आईडी हो गई। और यहाँ आपने जो वीलुकअप से लगाना है वो ये लगाना है कि ये वाली वीलुकअप की ये वैल्यू और कंकेटिनेटेड ये वैल्यू, लुकअप वैल्यू में ये दोनों दे देनी है, ये इसके अंदर फाइंड हो रही है कि नहीं। कॉलम वन जीरो, या काउंट इफ लगा के भी कर सकते हैं। तो जहां हो रही होगी वहां आ जाएगी, जहां नहीं हो रही होगी वहां एरर आ जाएगी, ठीक है? ये क्लियर हुआ आपको? मैंने किया क्या, ये तो क्लियर। मैंने इसको इसको दोनों को कंकेटिनेट कर दिया इसके लुकअप वैल्यू में, और यहां उसके लिए प्रोविजन दे दिया इन दोनों को कंकेटिनेट करके। तो जहां इसके बेस पे इसकी मैचिंग होनी है तो वहां आप ऐसा कर सकते हैं। मान लो तीसरा क्राइटेरिया भी हो कि फिनिश डेट भी वही होनी चाहिए, तो इसको भी कंकेटिनेट कर देना साथ में, और यहाँ फिनिश डेट भी ले लेनी। तो तीन क्राइटेरिया, चार क्राइटेरिया कितने के मतलब ऊपर ले सकते हैं। मैं इफ लगा के, इफ के अंदर इफ लगा रहा था, वो सही नहीं है मतलब। इफ के अंदर पता है क्या करना पड़ेगा आपको, दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तो पहले आईडी मैच करानी पड़ेगी, फिर आईडी इफ यस है तो उसका टाइम देखना पड़ेगा कि दिस वन और उसकी वी लुकअप वैल्यू जो आ रही है वो सेम है कि नहीं, वो लंबा हो जाएगा, है ना? उसमें भी उलझा हुआ था इफ लगा के। हाँ, उसमें अगर इधर का इफ ऐसे है तो मतलब लंबा चौड़ा हो जाएगा वो फॉर्मूला, और जबकि ये बहुत छोटा सा है, ये शॉर्ट में आपका काम कर देगा। उन तो दोनों को कंकेटिनेट करो, यहाँ पे कंकेटिनेट लुकअप वैल्यू में कंकेटिनेशन देके उठा लो, ठीक है सर? अब यस डालने के लिए केवल इफ की वैल्यू लगा लूंगा, है ना। हाँ, चाहे ये दे दो, और नहीं तो ऐसे दे दो काउंट इफ और भी छोटा। काउंट इफ में क्या काउंट करना है आपको, इस वाली रेंज में ये काउंट करना है कि ये कंकेटिनेट ये जो है, ठीक है, वो कितना है, ठीक है? अगर यहाँ जीरो है तो मतलब जहां इक्वल टू जीरो आ जाएगा वो हो जाएगा कि वहां पे नहीं है, क्योंकि जब नहीं है तभी तो काउंट करेगा, ट्रू आ गया, है ना? और इसको इफ के फॉर्मूला के अंदर दे दो। इफ अगर यहां जीरो आता है तो वैल्यू नॉट अवेलेबल जो मर्जी कर दो, या टाइम डिफरेंट, टाइम डिफरेंस भी डिफर, या जो मर्जी कर दो, वो उससे सेम नहीं है। टाइम डिफर और अदरवाइज क्या कर दे, ब्लैंक कर दे। पर इसमें ना, इसके केस पे हो जाएगा, ये दोनों यूनिक आईडी बना के चलेंगे, ठीक है ना? आईडी नहीं है वहां पे भी ये यही दिखा देगा, तो आईडी के लिए अलग चेक लगाना पड़ेगा आपको, वो नॉर्मल वाला वी लुकअप वाला, फिर यस करके वैसे ही, ठीक है ना?
ठीक है, एक अकाउंट इफ का फॉर्मूला वैसे भी लगा सकते हैं कि टाइम डिफर है, वहाँ आईडी मान लो नहीं है, जैसे यहाँ आईडी, खैर आईडी नहीं है तो वो फाइंड ही नहीं करेगा, सीधी सी बात, मतलब आईडी वही हो, टाइम डिफरेंट, आईडी तो होगी होगी ना, जो आईडी होंगी वो उसके हाँ, लिए। आईडी तो है। हाँ तो फिर यही काफी है और कुछ नहीं। ठीक है सर, तो लुकअप एंड रेफरेंसेस देखते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो लुकअप एंड रेफरेंसेस में आपका जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस का फॉर्मूला क्या करता है, आप इसमें रो नंबर कॉलम नंबर दोगे ना, कि पहला रो नंबर और पहला कॉलम नंबर, तो ये एड्रेस बना देगा उसका। उठा लीजिए फोन। अच्छा, तो ये एड्रेस बना देगा, मतलब कोई भी रो नंबर कॉलम नंबर के बेस पे एड्रेस बना देता है, और इस एड्रेस से मतलब B1 पे मान लो कुछ लिखा हुआ था, अब मुझे ये लेना है, तो ये ऐसे एड्रेस से तो आएगा नहीं, मैं ऐसे तो कर नहीं सकता, ऐसे करूंगा तो ये वही एड्रेस दे देगा। तो टेक्स्ट को एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, एड्रेस से टेक्स्ट को कन्वर्ट, किसमें? टेक्स्ट को एड्रेस अच्छा। में कन्वर्ट करने के लिए या सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है। अब B2 में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सीधा उसकी लोकेशन उठा लेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट B2। हाँ मतलब बी टू में जो B2। टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू अब आपको रिटर्न कर देगा। ओके। तो अच्छा, अब यदि यहाँ पे लगाना हुआ तो पूरा फॉर्म हो जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेस B1, है ना? एड्रेस का फॉर्मूला तो अलग है, एड्रेस का फॉर्मूला आपको एड्रेस रिटर्न करता है, कभी जैसे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला उस एड्रेस की वैल्यू रिटर्न कर देगा। एड्रेस का फॉर्मूला में रो नंबर डालेंगे कॉलम नंबर डालेंगे ये आपको एड्रेस बना के दे देगा, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला उस जो टेक्स्ट है उसको एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। अब ये इनडायरेक्ट को ज्यादा समझते हैं, एड्रेस तो एड्रेस बना के देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको इसमें एक दिखाता हूँ कि जैसे मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, एक HR है एक एडमिन है। ठीक है, उसमें कुछ बंदे हैं मेरे पास, यहाँ से मैंने कर लिया, टोटल बंदे ये हैं, कुछ HR में है कुछ एडमिन में है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि यहां पे मैं डालूं डिपार्टमेंट नेम और यहाँ पे नेम आ जाए, टास्क डालना है कुछ भी डालना है, ऐसे कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट जो है डेटा वैलिडेशन से सिलेक्ट करूँ। ठीक है, यहाँ दो डिपार्टमेंट हो जाएंगे मेरे, जैसे डेटा वैलिडेशन में गया डेटा में, एचआर और एडमिन, है ना? हाँ डेटा में गया, लिस्ट लिस्ट में गया, और यहाँ से मैंने HR एडमिन ये उठा लिए। ठीक है, अब यहाँ HR एडमिन आ रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जब HR एडमिन लाऊं तो यहाँ पे जो वैलिडेशन लगाऊं उसमें से उस वाली लिस्ट के नाम दिखाए जो HR में जो एडमिन समझा। जो भी सिलेक्ट करना है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमें नाम करना तो आता है, इसका नेम्ड रेंज सिलेक्ट किया, इसका नाम यहां से कर दिया HR, कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसका नाम यहां से कर दिया एडमिन। ठीक है, एडमिन। अब ये नेम्ड रेंजों के नाम क्या है, HR और उसका और एडमिन। एडमिन। अब देखो यहां पे अगर मैं इक्वल टू करता हूँ HR, मतलब इक्वल टू G2 करता हूं तो कुछ नहीं हो सकता है ना, पर अगर मैं इस टेक्स्ट को उसमें बदलना चाहता हूं तो मैं सहारा लूंगा इनडायरेक्ट का। ठीक है, अब इनडायरेक्ट से ये बन गई, वैल्यू बन गई, ये आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, HR का आ गया, एडमिन का करूंगा, ये देखो दिखा रहा है।
तो अब ये पहला वाला नाम दे रहा है, अब अब वो मैंने फॉर्मूला खाली निन्न आपको हाँ दिखाने के लिए किया, वो एरे फॉर्मूला है, पर फिलहाल ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये एक रेंज है बहुत बड़ी, एड्रेस में कन्वर्ट किया, अब वहाँ मल्टीपल वैल्यू है, एक में तो दिखा नहीं सकता, इसलिए वैल्यू की एरर थी। पर हमारा जो लिस्ट का फीचर है ना, उसके अंदर आप ये फॉर्मूला डाल दो जाके, कॉपी कर लिया मैंने, और ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके ये फॉर्मूला डाल दिया, क्योंकि मल्टीपल को कैसे हैंडल करना है ये जानता है, ये डाल दिया। ठीक है जी, अब लिस्ट के अंदर आपका क्या आ रहा है, ये आ गया, और यहां से अगर मैंने एचआर करा तो इसके बेस पे वहां फॉर्मूला ने कन्वर्जन क्या की, ये बंदे का नाम चूज करो आपके इसको डिलीट पास। मत करिएगा नीजिल, हाँ? बहुत शीट आसान शीट है। वो डिलीट मत करिएगा, मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छा कर दो कर, यह आसान है, आप भी सीख लो। बस मैंने यहाँ पे इनका नेम चेंज किया है इधर, और डेटा वैलिडेशन में वो जाके आप एक इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाया G2 को लेके, ठीक है, इसके बेस पे जो कि लिस्ट के अंदर डाला है, जी जी ठीक है, तो इससे आप अपना मतलब ऐसे 2 लेवल 3 लेवल जितना करना है कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास चूज का फंक्शन है। चूज का फंक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही लिख दिया, चूज चूज का फंक्शन में पहला पैरामीटर है इंडेक्स, और बाकी वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 कितना भी, तो इंडेक्स नंबर मैं यहाँ से ले लेता, ठीक है जी। उसके बाद वैल्यू में मैंने डाल दिया ए बी, ठीक है, वैल्यू 3, सी डी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर में जो नंबर आएगा ये उस नंबर की वैल्यू निकाल के दे देगा, 1 आया तो ए निकाल के देगा, 2 आया तो ये वैल्यू 2 निकाल के दे देगा बी, 3 आया तो सी दे देगा वैल्यू 3, वैल्यू 4 डी। ठीक है, तो ए 2 3 4, बाकी सबके लिए एरर। ठीक है, चूज का समझ आया आपको, है चूज समझ आया। ना, तो चूज का भी हम लोग अच्छा खासा और यूज इसको केवल पर इसको ऑटोमेशन में अच्छा केवल वन खासा और यूज टू ही दे करते सकते हैं। हैं, कुछ और भी दे सकते हैं? नहीं, चूज में तो खाली इंडेक्स नंबर आता है, चूज 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 में खाली ना इंडेक्स नंबर ही आता है। अब उस इंडेक्स नंबर के बेस पे हम पता है क्या करवा सकते हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2 जो है ना, इनकी जगह अलग अलग फॉर्मूले लग सकते हैं, कि 1 करूं तो सम कर दे, 2 करूं तो उनको डिवाइड कर दे, या कुछ और कर दे, इस तरह से मैं फॉर्मूले दे सकता हूँ। ठीक है, तो उनको बदला जा सकता है, जैसे कि चूज का एक यूज दिखाता हूँ आपको, चूज का यूज वो ज्यादा चूज चूज राइमिंग हो रही है, है तो राइमिंग राइमिंग हो रही है। हाँ, जैन फेब मार्च अप्रैल दिसंबर तक, अब ये डालना है। अब इसमें वैल्यू डालना भी तो मुश्किल होता है ना थोड़ा सा फॉर्मूला में, उसके लिए आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे करना है। आप ना एक रेंज चूज कर लो जहाँ वैल्यू लिखी है, पकड़ा इसको, F9 कर दो, ठीक है, ये आ गई एक्सेल में, और इसके बाद ये इक्वल टू वगैरह डिलीट कर दो यहाँ से, लास्ट के 2 इन्वर्टेड कॉमा भी। अब मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ से भी हटा देता हूँ, और जो बीच में जो टेक्स्ट बचा है मेरा रिप्लेस करने वाला, वो ये है मेरा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, दिख रहा है। हाँ, तो इसको उठाया मैंने, अरे हो जा, हाँ, इसको कॉपी किया और इसको मैंने फाइंड रिप्लेस मार दिया जिसके साथ करना चाहता था। पर हाँ, फॉर्मूला में तो मुझे टेक्स्ट के साथ चाहिए, फॉर्मूला में तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए, तो मुझे क्या करना है कि ये वैल्यू रिप्लेस हो जाए इन्वर्टेड, क्योंकि वहां सेमी कॉलन है, तो इन्वर्टेड कॉमा मैंने रिप्लेस कर दिया, कॉमा
सेमी कॉलन मैंने रिप्लेस कर दिया सेमी कॉलन, बट सी हाँ ये कॉम इसकी जरूरत नहीं, सही ओके बात इसमें बोले, डायरेक्ट सेमी से नहीं थी हाँ सेमी सेमी कॉलन कॉलन चेक कर को सकते। कॉलन से रिप्लेस कर दिया, हो गया। अब मैंने गलत हटा दिया इसमें, तो यहाँ ये लगा देता हूँ, ब्रैकेट भी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ मैं चूज का फॉर्मूला भी लगा देता हूँ, तो ये वैल्यूज मुझे ऐसे भी मिल जाती हैं, यहाँ इक्वल टू चूज, और इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे से ले लूँगा। अब ये बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 डाल दूंगा, जो भी 12, ये उसके मंथ रिटर्न कर देगा सीधे सीधे, ठीक है। तो जैसे ही मैं चेंज करूंगा, क्योंकि कई बार नंबर से हमें चीजें नहीं मिलती हैं, तो अपना इससे रिटर्न ले सकते हैं, 20 तो नहीं है, 5, ठीक है। तो ये अपने आप चेंज करता रहेगा। एक और मैंने इसका यूज किया था, हाँ जैसे यहाँ पे कुछ सेल्स है, कुछ वैल्यूज है, रेंट बिटवीन कर देता हूँ 10 से, तब ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हो गई। अब मुझे क्या करना है कि इसमें पहले आपको और फॉर्मूला बताता हूँ कि जैसे मुझे अपर लोअर तो उसके लिए होता है, इसके लिए रैंक के साथ क्या था, हाँ स्मॉल और लार्ज, स्मॉल लार्ज या असेंडिंग डिसेंडिंग होता है ना, उस तरह से हम कर सकते हैं इसको सॉर्ट। तो स्मॉल का फॉर्मूला डाला, पर इसमें आपको देना होता है कि कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, है ना। इसमें जो फॉर्मूला चलता है वो ऐसे चलता है, स्मॉल का फॉर्मूला आप स्मॉल लिखेंगे और उसमें एरे देंगे, एरे हो गई आपकी ये रेंज, ठीक है। उसके बाद के हो गई वो पोजीशन कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए, वो वाली। तो इसको जब आप करेंगे तो ये सबसे स्मॉल से लेकर ऐसे कर देगा, ठीक है। हाँ, और स्मॉल की जगह लार्ज लगा देंगे तो उल्टा एकदम लार्ज कर दिया, पैरामीटर वही है, ठीक है। तो ये ऐसे कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। हाँ। तो अब क्या करते हैं, मैं एक और चीज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ डाटा वैलिडेशन में लिस्ट, और इसमें स्मॉल लार्ज वैसे ही कर देता हूँ, स्मॉल लार्ज क्या असेंडिंग डिसेंडिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया असेंडिंग कॉमा DSC डिसेंडिंग, तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया, ठीक है, ASC DSC, ठीक है। अब मैं एक चूज का फॉर्मूला लगाऊंगा जिसके अंदर ये दोनों फॉर्मूला डाल दूंगा, और इफ के फॉर्मूला से इनकी वो करवा दूंगा, क्या इफ ASC हो तो असेंडिंग वाला मतलब स्मॉल वाला फॉर्मूला मैं लगा दूंगा, इसको फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला चेंज भी करूंगा थोड़ा सा। अगर ये इक्वल टू ASC है तो ये दे दे 1, अदरवाइज 2, क्योंकि अदरवाइज तो 2 ही होगा, तो असेंडिंग डिसेंडिंग। अब ये फॉर्मूला से मैं अपना ये वाला फॉर्मूला यहाँ के कॉपी कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला, हाँ चूज मैंने डाला, यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर यहाँ से ले लिया और एक फॉर्मूला यहाँ डाल दिया स्मॉल वाला, और दूसरा लार्ज वाला मैं यहाँ आगे इसके डाल दूंगा, इसको लार्ज में चेंज कर देता हूँ लार्ज, ठीक है। अब जब मैंने इसको ड्रैग कर दिया, अब इसमें मैंने कुछ फिक्स नहीं किया होगा, फिक्सिंग किसकी करनी थी, ये 1 की, हाँ T2 हाँ तो ये फॉर्मूला जब मैंने इधर डाल दिया तो अब क्या करेगा, ये डिसेंडिंग करूंगा तो डिसेंडिंग में हो जाएगा, असेंडिंग में करूंगा असेंडिंग में हो जाएगा।
अब इस फॉर्मूला में जहां मैंने उसको यूज किया था जैसे T2, इसकी जगह मैं ये पूरा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। मतलब कि इसको मैंने कॉपी किया इक्वल टू से पहले, और उस लिंक की जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया T2 की जगह, है ना। ठीक है, अब मुझे मतलब एक सेल एंगेज रखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ मैंने बस इसका कर दिया। अब यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग जो मर्जी कर दो, डिसेंडिंग असेंडिंग, है ना। तो कहने का मतलब है फॉर्मूले से हम काफी चीजें करवा सकते हैं। ठीक है, कोई मतलब आपको फॉर्मूला लॉजिक लगाते भी आना चाहिए ना फॉर्मूले उस टाइम पे, गिवन टाइम पे। या तो नहीं आदमी आदमी यहाँ इफ लगाता है और इफ ही खत्म हो जाता नहीं ये धीरे धीरे आते हैं। उस। देखो कुछ लॉजिक तो आप मेरे से कॉपी करो जितने मैं बताता जा रहा हूँ वो, और बाकी जब उतने आप कॉपी करने आ जाएंगे तो आपको वो भी आ जाएंगे, नए नए भी दिमाग में आने लगेंगे। दिक्कत क्या होती है कि हम लोग को मतलब वो कर नहीं पाते ना आगे, पहले की प्रैक्टिस नहीं है, नया लॉजिक आएगा नहीं बगैर उसके, है ना। मैं तो कहानी इफ से शुरू होती है इफ से खत्म हो जाती है। अब कल लगा हूँ मैं इफ से करने वाला, जो भी पिछली शीट में करा ना, और हाँ, कंकैटिनेट करके कितना इजीली हो रहा है वो। अब देखो स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज के जो है ना ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं का भाई है रैंक, रैंक का फॉर्मूला। रैंक का फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे आपको निकालना है कि इसकी रैंक क्या है, के जो थी ना वो एक्चुअल रैंक थी, सेकंड स्मॉलेस्ट थर्ड स्मॉलेस्ट। तो मुझे कोई फिगर निकालना है कि मेरे पास है मान लो 28, अब ये कौन सी रैंक पे पड़ता है, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग से, या मैं यहाँ पे ही निकाल देता हूँ इनकी रैंक, यहाँ निकाल देता हूँ रैंक। ये रहा हमारे पास रैंक का नंबर, रेफरेंस और ऑर्डर। तो नंबर मैंने कहा ये कौन सी रैंक पे है, कि रेफरेंस मतलब इसके पूरे के अंदर, पर कैसे फाइंड आउट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो 0 1, 0 डिसेंडिंग के लिए, 1 असेंडिंग के लिए, तो मैं फिलहाल 1 डाल के कर देता हूँ। तो ये इसकी रैंक बता रहा है कि असेंडिंग के हिसाब से इनकी ये रैंक है, असेंडिंग में पहले नंबर पे ये है जो कि यहाँ देख रहे हैं, दूसरा ये है 15 जो यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग में स्मॉल वाले में। और 0 डाल देते हैं तो उल्टा हो जाता है इसी का, ठीक है। मतलब आप रैंकिंग निकाल सकते हो इनकी, जैसे किसी ने ज्यादा सेल्स किए तो डिसेंडिंग में डाल के रैंक निकाल लो उसकी कौन सी रैंक पे, फिर वैसे सॉर्ट कर दो। पर ये यूज होता है कि शॉर्टिंग का फॉर्मूला वैसे ही अपने पास नहीं, वो फॉर्मूला वो तो है, ये तब यूज होगा जैसे फंक्शनैलिटी, सॉरी। हाँ ये जैसे आपने डैशबोर्ड वगैरह टाइप में कुछ देना है ना, वहां पे अपना टूल बना रहे हो आप वहां पे, क्योंकि वहां पे फिर वो सॉर्टिंग वॉर्टिंग वैसे सिस्टम के थ्रू चले तो क्या, डैशबोर्ड तो कंट्रोल के साथ ही दिए जाते हैं ना, कि आप जब कराओ तो हो, है ना। जैसे अगर हम देखें, ये देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्या नाम है, क्या ये वाला है। अब देखो यहाँ पे बहुत मेहनत की है इन्होंने, है ना, दिख रही है सर शीट। हाँ तो इसमें ये सॉर्ट यहाँ लिख दिख रखा है, अब मैंने कहा कि इसको सॉर्ट करना है, क्लिक यहाँ किया, यहाँ पे ये कर दिया, ये देखो सॉर्ट हो रहा है ऊपर नीचे, और ये सब उसी फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है। और ये एरो एरो ये सब फीचर्स हैं हाँ ये क्या? धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें, इसमें बहुत सारी है, पर है फॉर्मूला वही है जो चूज वाला फॉर्मूला है ना। ये क्या कर रहा है, यहां से सिलेक्ट किया इसको, तब उसको उस पर्टिकुलर कॉलम को सॉर्ट करने लग जाएगा, है ना, जिसको आप सिलेक्ट करते हो उसी को सॉर्ट करेगा। क्योंकि अगर यूजर ने एक बार कर दिया इसको फुल फंक्शनैलिटी के साथ की सॉर्ट मार दे, वो तो कबाड़ा कर देगा मेरे प्रोग्राम का, है ना। हाँ क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे भी चला रहा हूँ, ये देखो इसके स्क्रॉलिंग से इस डेटा को चला सकता हूँ मैं, अगर यहाँ नॉर्मल फीचर यूज करेगा तो मेरा डाटा
बर्बाद हो जाएगा जो डैशबोर्ड बना है, ठीक है। तो इस सब चीजों के लिए देने पड़ते हैं, तो यही लॉजिक वहां लगा है। अभी देखो ये आपके देखो छोटे छोटे फॉर्मूले ही इतने बड़े बड़े लेवल तक जाते हैं, जो मतलब एकदम से दिखते हैं ना कि इनका कोई काम नहीं, असल में काम उन्हीं का है। उनका ऐसा ऐसा काम निकल आएगा कि वो अलग ही है। अभी तो हमने क्या किया, फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, चूज देख लिया। हाँ एक हमारे पास फॉर्मूला है रो का, ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या करता है, करंट रो नंबर रिटर्न करता है। बता देता है। हाँ कॉलम का क्या करता है, करंट कॉलम नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। तो रो कॉलम आपके रिटर्न करते हैं ये लोग। और अगर इसमें कोई डिफरेंस डाला जाए कि रो ये वाली रो का क्या है नंबर, तो ये उसका बताएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉलम भी बताता है। अब मान लो कि मैं जो लिस्ट पे काम इसको तो कर, मैंने यूज किया हुआ है, रो हाँ इसका आपको अच्छा खासा रो दिख रहा रो है। मेरा यूज किया हुआ है। तो जैसे मान लो कि आपने रो का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, और यहाँ कुछ वो है नंबरिंग के लिए यूज किया है। मैंने अब जैसे अब यहाँ इसलिए यूज किया है कि हर बार कॉलम इंसर्ट होता था, ठीक है, हाँ हाँ और रैंकिंग चेंज हो जाती थी, ठीक है, तो हाँ रो हाँ -3 कर दिया था, तो ऊपर से जो थी वहां से 1, 2, 3 लेना चालू कर देता था, हाँ तीसरी हाँ तीसरी रो से चालू हो रहा था मेरा काम, तो रो बिल्कुल माइनस बिल्कुल थ्री करके समझ काम गया चला रहा था उसके में। समझ गया समझ गया। हाँ तो वही चीज इसमें भी है। अब रो नंबर अगर कुछ डिलीट करता हूँ, रो नंबर तो चेंज होगी नहीं वैसे ही। अब मुझे मान लो यहाँ से मेरा वो चालू हो रहा है, तो माइनस में वही लगा दूंगा, 9 कर दिया मैंने, तो ये यहाँ मेंटेन रखेगा अपना इसी फीचर को। और इसी के साथ ही ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसमें मैंने इफ का फार्मूला लगा दिया कि इफ बगल वाला जो है क्या है, बी टेन इक्वल टू ब्लैंक है, तो ब्लैंक अदरवाइज ये फार्मूला। तो अब क्या हो गया, मेरा ऑटो नंबर जैसा बन गया ये, यहां मैंने डाल दिया। अब बस मुझे यहां से क्या है, आगे वैल्यू डालती जानी है, ये नंबरिंग करता जाएगा, है ना। तो इस तरह से कॉलम से भी ऐसे ही करा सकते हैं, रो से भी, मतलब एक छोटे से फॉर्मूला के साथ जुड़ के ये अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। हाँ हाइपरलिंक का फॉर्मूला। अब जैसे गूगल, फेसबुक, रेडिफ में नहीं आता, चलो जीमेल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके आपका हाइपरलिंक लगाने हैं इनसे, तो हाइपरलिंक का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। हाइपरलिंक का फॉर्मूला लिंक लोकेशन को ऑल्टर कर सकते हो कि http://www. यहाँ कंकैटिनेट कर दिया, ठीक है, किसको, सेल को, है ना। और फिर यहाँ उसके आगे से .com कर दिया ये, ठीक है। तो ये आपको लिंक बना के दे देगा। और मतलब हाँ इसका दूसरा पैरामीटर है आपका फ्रेंडली नेम, ये फ्रेंडली नेम है ना, तो फ्रेंडली नेम की जगह जो भी डालोगे ना, गो या क्लिक, वो दिखाएगा, ठीक है। तो फिर दिखाया। क्लिक मैंने कर दिया ना उस पर, क्लिक फ्रेंडली नेम क्लिक कर दिया। कॉमा फ्रेंडली नेम, ओके, पर लिंक, अच्छा लिंक है पर, हाँ ओके गॉट इट, ओके फ्रेंडली नेम, हाँ हाँ समझा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी एक वेबसाइट जो तो भी होगी वो खुल जाएगी। जो .com वाली है वही हाँ खुलेगी। हाँ 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 अब इसके साथ आप वैसा भी कर सकते हो कि ऑटोमेशन में डाल दिया आपने,
मतलब डेटा वैलिडेशन में डाल दिया, वहां से चेंज करते जा रहे हो, लिंक का फॉर्मूला एक ही जगह लगा है ना, एक ही सेल पे लिंक का फॉर्मूला डेटा वैलिडेशन में आ गए, उसमें गो का कर दो, बस सिलेक्ट करो डेटा वैलिडेशन से, गो करो, वो साइट खुल गई। अरे खुल जाए यार, हैंग हो गया लगता है वो लिंक खोलने के, लिंक खोलने के चक्कर में, बस ये फाइल ना उड़े। सेम ही कहना है इसका, नहीं ये क्या कहते हैं इसके लोगों कहाँ से लाया एक्सेल का, एडवांस एक्सेल ना? एडवांस एक्सेल ये? ये वाला, हाँ ये ये वाला मेरे दोस्त ने बनाया है, वो एनिमेटर है ना उसने, तो ये गूगल खुल गया कुल मिला के उस लिंक से। डॉट कॉम कॉम डाला हुआ ना, इसलिए दिक्कत कर रहा था मेरे ख्याल से। अच्छा फेसबुक वाला दिक्कत नहीं करेगा, अब तो खुला हुआ है ना। हाँ फेसबुक खुल गया, ठीक है ना, तो यही इसी तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी हाँ इसके साथ खाली इनमें ही नहीं, शीट में लिंकिंग में भी आपका यूज हो सकता है, हाइपरलिंक का फॉर्मूला इंटरनल लिंकिंग में। अच्छा, एक से एक शीट से दूसरी शीट कनेक्ट करने के लिए काइंड ऑफ। हाँ, तो उसमें जैसे एक साथ डालना हो ना तो उसका भी यूज किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे, इसमें मैं कर देता हूँ, 3-4 शीट और ले लेता हूँ, ठीक है, तो 5, 4, 5, 6 शीट आपस में मुझे किसे, 1 मिनट, हाँ 4, 5, 6, 4 को आगे रख लेता हूँ, तो 5, 6, 7 शीट मुझे 4 पे कनेक्ट करनी है, 4 के A1 से, और यहाँ A1 से, सबके A1 पे मुझे कनेक्शन डालना है शीट का। मैं यहाँ पे शीट के नाम लिख देता हूँ, शीट 5, 6, 7, ठीक है। अब इस पे मैंने डाल दिया हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में मैंने उसको वैसे डालना पड़ेगा, हाइपरलिंक में लिंक लोकेशन, और इसके बाद मैंने कंकेटिनेट कर दिया इसको ये इससे एक्सक्लामेशन साइन से, और उसके बाद दे दिया कि सबके A1 पे जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसका क्या फायदा एक्सक्लेमेशन साइन का? वो शीट का नाम हो गया ना। देखो जब भी कोई आप लिखते हो तो शीट को रेफर करने के लिए इस तरह से किया जाता है ना, क्या नाम है, शीट 5 एक्सक्लेमेशन A1, इस तरह से एड्रेस आता है जब दूसरी शीट का होता है, हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके, तो आओ, बस बस मैंने या, वही करेक्ट। वही वही कंकेटिनेट किया है इसके साथ, तो अब चलो। इसके साथ सपोज शीट का नाम चेंज कर दिया हाँ तो भी काम करेगा ये? शीट 5 की जगह आपने नाम कर दिया ABC तो काम करेगा? हाँ, वो ABC, फिर इसका नाम भी चेंज होना चाहिए। तो अब क्या है कि मैं जा रहा फिर हूँ यहाँ पे यहाँ करना से, पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? नहीं, करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ शीट 5 पे, तो ये शीट 5 पे लिंक एड्रेस इज नॉट इनवैलिड। अच्छा A1 मेरे को उसमें डालना था, किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा के साथ ही डालना था ये यहाँ पे, ठीक है, तभी लिंक लोकेशन प्रॉपर होगी। तो अब मैंने किया, देखते हैं क्या करता है, एड्रेस इज नॉट वैलिड, वाई, फार्मूला इवेल्युएट करें या लिंक देखते हैं क्या बना रहा है। शीट 5 A1, शीट 5, होल्ड क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक होल्ड टू सिलेक्ट दिस सेल, A1, 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 द एड्रेस ऑफ दिस साइट इज नॉट वैलिड, होना तो चाहिए, वैल्यूएट फार्मूला, शीट 5, एक्सक्लेमेशन A1, ओके, अच्छा हाँ, तो यहाँ लिंक की लोकेशन बनाने के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देख लेते हैं।
मुझे पक्का नहीं पता कि इससे होगा कि नहीं। लिंक की लोकेशन से तो ये नहीं होना चाहिए। शीट फाइव नहीं नहीं गलत लगाया मैंने यार, ऐसे ही हो जाता है। शीट 5 A1 ये देना है मुझे, और इसको मैं देना है यहाँ से, इनके यहाँ चेंज कर दिया मैंने, जो लिंक की लोकेशन रहेगी मेरी रहेगी शीट 5 A1 A1, और इसका भी A1 लिखना पड़ेगा ना। इसको वहां से लेना है तो कंकेटिनेट कर लूं, यहां से कंकेटिनेट, और ये कंकेटिनेट करने के लिए इसको टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, और क्लिक करूं एड्रेस, डेटा कर लेता हूं मैं शीट 5। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या हो रहा है, जाता तो है। क्लिक डेटा ए वन, जाना चाहिए मारगोली, सर्च करने लग गया। हाँ टक 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 HTTP, OneSTR, सेल पे जाता है ये, शीट का A1 F10 इन्वर्टेड कॉमा में देना है। सही तो दे रहा हूँ और कैसे दूँ। पर इसमें HTTP क्यों डाल के रखा हुआ? HTTP नहीं चाहिए, HTTP कहाँ डाल रहा है, ओके। HTTP नहीं, इसकी जगह मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका मैं फाइल का नाम जो है ना book 1 डॉट कर देता हूँ, और फिर शीट फाइव को मतलब A1 कर देना है, और फिर इसको ऐसे कर देता हूँ एंड, ठीक है। हाँ 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 ऐसे ही करना पड़ेगा, ये पहुंच गया, ठीक है। फाइल का नाम लिखना पड़ता है, मतलब ओके बुक नहीं पढ़ पा रहा। हाँ, कि फाइल का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। हाँ अब इस तीनों शीटों पे एक साथ मुझे बैक का लिंक लगाना है, तो तीनों को शिफ्ट करके सिलेक्ट कर लिया, मतलब ऐसे ये तीनों सिलेक्ट हो गई, ग्रुप आ गया लिखा हुआ तीनों में। अब मैं फॉर्मूला एक ही डाल सकता हूँ कि हाइपर लिंक इसमें दे दिया book 1, ओके तो ऐसे ही बुक वन। हाँ और क्या है शीट 4 है, तो शीट 4 साइन ऑफ एक्सक्लामेशन A1 पे ही रिटर्न कर दूं, A1 पे आ जाए, और फ्रेंडली नेम दिखा दे इधर बैक, ठीक है। तो आपको 50 शीटें करनी है मान लो, तो एक झटके में आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं, यहाँ क्लिक किया बैक क्लिक किया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया बैक क्लिक कर दिया, ठीक है ना, मतलब तीनों पे वर फॉर्मूला लग परफेक्ट। गया है ना, तो लिंकिंग वगैरह भी इससे हो जाती है। हाँ कई बार क्या होता है कि एक मिनट क्या बज रहा है? हाँ तो कई बार क्या होता है इसमें कि मतलब फाइलों के नाम नहीं लेता है, जैसे ये सेव होती ना, जैसे मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, किसके नाम से कर दूँ, book 1 के ही नाम से डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ठीक है। वो टेक्स्ट टेक्स्ट नाम कर दीजिए, टेक्स्ट फॉर्मूला, तो सॉरी टेक्स्ट फॉर्मूला ही चलने चल रहा है नहीं?
ये लुकअप एंड रेफरेंसेस नहीं, का कौन है, सा फॉर्मूला है? लुकअप एंड रेफरेंसेस, व्हील व्हील को रेफरेंसेस लुकअप कर दीजिए। एंड रेफरेंसेस, ठीक है। तो लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला हो गए। अब यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, बुक वन की जगह सेव्ड फाइल के साथ मैंने इस चीज में दिक्कत देखी। पर सेव्ड फाइल में तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना फिर, हाँ सेव्ड, नहीं, जैसे सेव फाइल, सेव सेव्ड फाइल। में हाँ दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी कि ये कर रहा हूँ तो ये नहीं जा रहा है ना, जबकि पहले बुक वन से जा रहा था। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक कोड लगाया था हमने, और वो लगाया था पर यदि सेव्ड है तो ये अपने आप चली जानी चाहिए, नहीं जाएगी दो यदि हटा बार, दिया जाए नाम कोई। अच्छा दो बार बैक स्लैश करके लगाया था शायद, देख लेते हैं चल रहा है। नहीं, दो बार बैक स्लैश में तो फोल्डर खोल दिया इसने। ब्लैक बैक स्लैश डॉट, देखते हैं। नहीं, दो बार ब्लैक स्लैश नहीं, फ्रंट स्लैश लग, एक बार बैक स्लैश लगाते हैं तो क्या लेता है, फिर भी फोल्डर खोल रहा है। सी ड्राइव, ये फ्रंट स्लैश लगाते हैं, ये डॉट, देखते हैं। ऐसे करके मैंने चेक किया था उसको, नहीं ले रहा। फिर से सी खोल दिया। टू मेनी लोकेशन, अच्छा डॉट, और ये लास्ट फोल्डर, देखते नहीं, कुछ ऐसे ही कोड है इसका, भूल जाता हूँ इसको बार बार, जिससे जो फाइल सेव करने के बाद जो लगते हैं। हाँ, तो उसमें ना यही लग जाता है, 1 मिनट, फॉर एक्सेसिंग सिंगल फाइल। अप्लाई हाइपर लिंक फॉर्मूला इन एक्सेल, फॉर्मूला फॉर्मूला न्यूला, हाइपरलिंक लिंक लिंक टेस्ट डॉक, ऐसे तो खुल जाता है, इससे तो ये फाइल खोलेगा, पर सिंगल सेम एड्रेस, लिंक ऑन सेम फाइल, एक्सेल हाइपरलिंक फॉर्मूला टू सेल, सेल को, सेल का B2 एंट्री नेम डायरेक्ट कैसे देते हैं, शीट हैश, ओह शिट, हैश 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 हैश, हाँ नहीं, हैश शीट, ये तो डायरेक्ट सेल पे हो गया, हैश के साथ ही हो गया मेरे ख्याल से, तो ये मैं गलत लगा रहा हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हैश। अब देखते हैं, हाँ हैश के साथ चलाना है, सेव फाइल में हाँ सेव फाइल में हैश के साथ चलेगा, ये हैश के साथ से ना आपका सेम लिंक पे चल जाएगा, उसमें भी चलेगा बगैर उसके भी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक से अलग अलग एड्रेसेस अलग अलग डील तरह से डील होते हैं, पर एक बार समझ आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा आपको।
ठीक है, सब में चलता है। उसके बाद करते हैं हम, ओके हाइपरलिंक कर लिया हमने। इंडेक्स मैच आता है आपको? इंडेक्स मैच, वी लुकअप, वो तो इतना गंदा आता है, क्या बताऊं। क्या मतलब? आता आता है, अच्छे से आता है, अच्छा आता है, अच्छे से आता है वो। चलो। इंडेक्स कॉमा मैच L0। हाँ, आ गया आपका क्वेश्चन। ऑफसेट, ऑफसेट, नहीं, ऑफसेट नहीं यूज किया गया अभी। ऑफसेट ना आपका इंडेक्स की तरह ही होता है, ठीक है। ऑफसेट, सॉरी, इंडेक्स और वी लुकअप में अंतर क्या है? इंडेक्स, इंडेक्स देखो, इंडेक्स किसी रेंज के, इंडेक्स और मैच जो है साथ में लेकर वीलुकअप जैसा ही काम करते हैं, ठीक है। तो हाँ, पर वो इंडेक्स मैच अभी। इंडेक्स का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे एक एरे होगा, ठीक है, ये एरे हो गया। अब रो नंबर और कॉलम नंबर इसको दे दो, वो उस रो नंबर कॉलम नंबर की वैल्यू निकाल देता है, ठीक है, उस रो नंबर कॉलम नंबर की वैल्यू निकाल देता है। पर मैच जो आपका होता है वो आप लुकअप वैल्यू के बेस पे, जैसे वीलुकअप में होता है, तो लुकअप आईडी जो होगी और लुकअप एरे होगा, ये दोनों, कॉलम इंडेक्स तो होता नहीं, एक ही चूज करते हैं, तो इसके बेस पे इसकी पोजीशन निकालेगा कि ये आईडी इसमें कौन सी पोजीशन पे, और इंडेक्स उसी पोजीशन से वैल्यू निकाल के देता है। फर्क ये है कि इसके बीच में हम रेंज पैरेलल कर देते हैं कि यहां से नहीं तो यहां से निकाल दे, उसके सामने वाली से या इधर वाली से, तो लेफ्ट राइट दोनों डायरेक्शन में चले जाता है मैच इंडेक्स। दोनों तो आप वीडियो को प्रेफर करते करोगे कि ये प्रेफर करोगे? का अलग अलग टाइप है, अलग अलग। वैसे वीलुकअप से अगर काम हो जाता है तो मैच इंडेक्स को प्रेफर नहीं किया करूंगा, क्योंकि वीलुकअप सिंगल फॉर्मूला है, मैच इंडेक्स दो फॉर्मूला है, क्योंकि ओके, कैलकुलेशन क्योंकि टाइम मैं लेंगे ना ज्यादा फिर वो। ओके ओके तो आज का सेशन ऑफ करें, नेक्स्ट टाइम आगे करते हैं इसमें, है ठीक ना। है। सैटरडे को ही ना, तो हाँ, सैटरडे को ही, संडे तो सर फिर से मेरा टेस्ट ये अब अभी किस चीज का टेस्ट है? अब मेरा